हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि सीटेट द्वारा जो नया सैंपल पेपर जारी किया गया है, जो कि कुछ बदलाव हुआ है हमारे सिलेबस में उसको लेकर, तो उसके लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग बैलेंस डाइट की। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। डाइटिंग पर है, अगर कुछ खा रहे हो मीठा वगैरह या कुछ भी, बोलते नहीं 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 मुझे नहीं लेना है, मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ या फिर डाइटिंग कर रही हूँ। तो ये होता है कि डाइटिंग लोग करते हैं, वो डाइटिंग क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, उसी चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को आवश्यक है, अगर उसका सही मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, यानी कि वो बैलेंस डाइट कर रहे हैं, यानी बैलेंस डाइट उसी को कहेंगे जो हमारे शरीर के लिए जितना भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसका सही अनुपात में लेना, सही मात्रा में उसका लेना ही बैलेंस डाइट होता है। जैसे कि इनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें इनर्जी मिलती है, जिससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, ये बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल हो गया। यानी कि जैसे हो गए, या अगर बात किया जाए एनर्जी गिविंग फूड्स हो गया, तो ये एनर्जी जो हम लोग को मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन्स हमारे शरीर के निर्माण करने में योगदान देता है, इसके बाद विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो ये सब हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है, वो भी सही मात्रा में, ना कि उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो ये कैसे पता चले? तो देखिए, जितने सारे लोग होते हैं उनके अलग अलग बैलेंस डाइट होते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा आवश्यक होती है। लेकिन जो लोग घर में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, उनके बैलेंस डाइट अलग होंगे। उनको उनकी अपेक्षा, जो कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा उनके बैलेंस डाइट में कम प्रोटीन, कम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। ओवरऑल उनकी ज़्यादा होती है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं उनकी कम होती है। बात की जाए जब छोटे बच्चों की, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, वृद्धि भी करना है, ग्रोथ भी होना है, ये सब चीज़ के लिए क्या होता है उनको ज़्यादा आवश्यक होती है। फिर बात आ जाता है हमारा कि मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, फूड क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। जब कोई भी पौधा या कोई भी फूड, फूड कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, फूड कहने का मतलब यहाँ पे वो सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्या कहते हैं ग्रेन्स, जो कि खेतों में उपजाया जाता है और वहाँ से फिर हमारे लिए लाया जाता है, यानी कि जो हम लोग, जैसे सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे चीज़ों को मिला के फूड्स कह रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बातों को बोलने के लिए एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, फूड्स। तो ये जब लगाया जाता है खेतों में, उस समय से ही ये कंटामिनेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दूषित होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? कि अगर मान लिया जाए, बात किया जाए कि फूल गोभी हो या फिर एक आलू की बात कर ली जाए, तो आलू को जब लगाया जाता है उसी समय से खाद देना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसमें खाद दिया गया, फिर उसको आलू के साथ ही ढक दिया गया, फिर उसमें क्या कहते हैं समय समय पे छिड़काव किया गया, यूरिया दिया गया, खाद वगैरह, ये सब होते होते जब बात की जाए कि यहाँ पे कि जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से और कंज्यूम करते हैं, यानी जब तक कि हम लोग तक आता है, उसके एक एक स्टेज में वो स्पॉइल्ड होता है, यानी कि एक एक स्टेज में कंटामिनेटेड दूषित होता स्टार्ट हो जाता है। ये दूषित होता है, सबसे पहले जब लगाएं तब दूषित हो गया, जैसे उसकी वृद्धि हुई, जब तक ये अनाज फला फूला नहीं तब तक उसमें खाद पानी वगैरह, जो पानी डालना तो अच्छी बात है, लेकिन खाद वगैरह से जो उसको एकदम पूरे तरीके से भिगा दिया जाता है कि पैदावार बहुत ही अच्छा हो जाए, उसमें सड़न वगैरह सब कुछ नहीं हो, बहुत ही अच्छा लगे देखने में, इस वजह से। इसके बाद जब भंडारित की जाती है उसको, यानी कि वहाँ से तैयार किया गया, इसके बाद उसको भंडारण के लिए, उस समय भी हम लोग केमिकल्स, दवाई वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो। इसके बाद जब हमारे पास भी आता है तो क्या होता है कि उसमें भी बहुत सारा, मतलब कि क्या कहते हैं, बहुत सारा दवाई वगैरह सब है। अगर हम लोग अच्छे से धो के उसको नहीं खाते हैं, वैसे धो के नहीं बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए गाजर है मार्केट से आया और हम लोग ऐसे जैसे तैसे धो के खा लिए, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हाइजीन फूड को मेंटेन किया जाए तो फूड पॉइजनिंग को रोका जा सकता है। तो कैसे रोकेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो फूड हाइजीन को रोकने का एक, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है फूड हाइजीन को रोकना,
ताकि फूड पॉइजनिंग नहीं हो। ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। सर, अगर साफ सुथरे तरीके से खाना को नहीं बनाया गया, खाना दूषित है और हम लोग उस चीज़ को खा लिए, खाना पे मक्खी लग रहा है या फिर खाना जो है बहुत दिन से थोड़ा सड़ गया है, इसके बाद भी हम लोग उसको खा ले जैसे तैसे धो धा के, या फिर कैसे भी उस चीज़ को जो कि वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, दूषित है, और उस भोजन को हम लोग खा लेते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, अपच जिसको बोला जाता है। उसमें हमें डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग होता है, पेट में दर्द होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग का। तो ये जो फूड पॉइजनिंग नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, फूड की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फूड क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब फूड प्रोडक्शन हो रहा है उस समय खादों को कम डाला जाए, अच्छे से उसकी देखभाल की जाए। दूसरे बात किया जाता है जब स्टोरेज किया जाए तो उसको भी अच्छे से स्टोरेज किया जाए, केमिकल कम यूज़ हो या ना के बराबर हो, जिससे कि भोजन जो होता है वो दूषित नहीं हो, जो अनाज को भंडारित किया जा रहा है वो सुरक्षित रहे और ख़राब भी नहीं हो। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हो गया कि जब भंडारित किया जाता है उसके बाद कुछ कुछ समय पर, मान लीजिए कि आलू की बात की जाए या फिर गेहूँ चावल, ये सब सालों भर तो नहीं होते हैं, तो एक बार जब उपज होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है, इसके बाद वहाँ से कुछ कुछ समय पे लाया जाता है और फिर मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि हम लोग को सालों भर उस चीज़ से अवगत होते रहे, यानी हम लोग को मिलते ही रहे। तो ये हो गया स्टोरेज, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वहाँ से ला के मार्केट में दिया जाता है, मार्केट से फिर हम लोग कुकिंग के लिए लेके आते हैं खरीद के, आलू प्याज बैंगन टमाटर कुछ भी हो गया, जैसे कि वो गेहूँ चावल धान चना मूंगफली जो भी कुछ लाते हैं, सब की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग उस चीज़ को जो हमारे पास आ गया, मान लीजिए बाहर की चीज़ों को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में आ गया उसको अच्छे से क्लीन करके तब खाना को बनाया जाए, अच्छे पानी का यूज़ किया जाए धोने के लिए, साफ़ सुथरे तरीके से उसको खाना को बनाया जाए, ये मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद जब खाना की परसने की बारी आ रही, यानी सर्व कर रहे हैं कि सर्विंग द फूड्स, यानी कि फूड को जब हम किसी को खाने के लिए दे रहे हैं तो वो एकदम नीट एंड क्लीन बर्तन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या, खाना को जो निकाल रहा है वो आदमी का भी हाथ एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिस कड़छी से निकाल रहा है वो भी एकदम साफ होना चाहिए, नहीं कि मक्खी भिन 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 कर रहा है इसी से निकाल के दे दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ को मेंटेन किया जाए तो फूड जो होता है फूड पॉइजनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। बात करते हैं कि फूड क्लीनिंग का, यानी कि जो अब हमारे पास आ गया है सब्जी वगैरह जो होता है, वो जो मार्केट से हम लोग खरीद के फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो कुछ भी लेके आ चुके हैं, अब उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग खाते हैं, जो लेके आते हैं, जैसे गाजर हो गया, फूलगोभी हो गया, कोई भी चीज़, वो बहुत ही हाइजीन होना चाहिए, यानी कि अगर गाजर रखा हुआ है तो बहुत अच्छे से क्लीन करके इसके बाद उसको खाएंगे, और किसी भी चीज़ को जैसे तैसे नहीं करेंगे, उसको एकदम साफ़ सुथरे और साफ पानी से धोएंगे, इसके बाद ही उसको खाएंगे, ताकि वो हाइजीनिक हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ हाइजीनिक रहेगा तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर बात करते हैं कि अगर हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हेल्थ हमारा सही रहेगा, और अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं तो बार बार बीमार पड़ेंगे। तो बार बार बीमार पड़ना का एक पढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग हाइजीन फूड को मेंटेन नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं कि स्टोरेज जो होता है, कि स्टोर्ड वेजिटेबल्स जो हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, बहुत सारे स्टोर जो होता है निकल के आता है स्टोरेज से, वो उसे बहुत सारा जो होता है कि मक्खी वगैरह सब लगी हुई हो, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह जो छोटा छोटा उड़ते रहते हैं वो सब अगर रहे, तो क्या होता है कि अगर उस चीज़ को बिना धोए बिना अच्छे से क्लीन किए अगर खा लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, वो डस्ट रहता है उसमें, इसके बाद फ्लाइज वगैरह सब भी रहता है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग को जनरली क्या करना चाहिए कि जो बाहर में कटा हुआ फ्रूट पता नहीं कब का है, खा तो रहे फ्रूट्स, हाइजीन ही समझ के आप खा रहे हैं कि आपको उससे एनर्जी मिलेगी बहुत सारा, लेकिन उसके साथ फ्रूट्स को बहुत देर तक काट के रख दीजिए, उसे मक्खी भिन भिन कर रही है, इसके बाद आप उसको खा लीजिएगा तो आपको बीमार कर सकता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, घर में उसको जूस को पीना है तो घर में बना के पी लीजिए, घर में पीजिए, उस चीज़ के फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए जिसमें कि मक्खी, देखे होंगे जहाँ पे गन्ना का जूस मिलता है वहाँ पे क्या मक्खी बहुत सारा उड़ते रहता है, इसके बाद वो बना बना के देता है, लोग आराम से पीता है, ठंडा चाहिए उसमें नमक डाल दीजिए, तो मीठा डाल दीजिए, तो नींबू डाल दीजिए, ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। इसके बाद बात करते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड,
कि प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्व करके किसी चीज़ को, किसी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कैसे रखा जाता है। तो दो तरीका होता है, एक ड्राई स्टोरेज होता है, एक कोल्ड स्टोरेज होता है। यानी कि कुछ हर चीज़ को रखने के लिए अलग अलग तरीका है। जैसे कि अब मान लीजिए गेहूं को हम लोग फ्रिज में नहीं रखेंगे ना, उसको बाहर रखेंगे यानी कि ड्राई स्टोरेज में रखेंगे। लेकिन जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होता है उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि वो बहुत दिन तक रहे और ख़राब नहीं हो। तो दोनों चीज़ों को रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्टोरेज है, कुछ ड्राई और कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। होता है उसमें क्या रखा जाता है, यानी कि ड्राई स्टोरेज में क्या रखा जाता है, शुगर हो गया यानी कि चीनी वगैरह हो गया, फ्लोर हो गया, ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीज़ को क्या रखा जाता है हम लोग को, ड्राई स्टोरेज में रखा जाता है। और कोल्ड स्टोरेज में जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कच्चा पदार्थ है जिसको फ्रीज करके, एकदम फ्रीज नहीं बना के रखना है, पूरा एकदम उसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए ताकि वो ख़राब नहीं हो सके, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। प्राइमरी इम्पॉर्टेंस जो दिया जाता है हम लोग को, क्योंकि अब ये तो बात हो रही है कि घर में आ चुका है उस चीज़ के, तो प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। यानी कि जब हमारे पास खाना आ जा रहा है, भोजन आ जा रहा है, यानी कि कुछ भी हो, गेहूं हो, चावल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हमारे पास जब आ गया तो उसका क्या होना चाहिए कि बर्तन साफ़ सुथरे बर्तन में जब हम खाना बना रहे हों तो मेंटेन करना चाहिए कि जो खाना बन रहा है, जो बर्तन है, एकदम क्लीन हो। दूसरी बात, जिस चीज़ से सब्जी को जिस पानी से धो रहे हैं वो पानी भी साफ़ सुथरा हो, साफ़ सुथरे पानी को पीना चाहिए। ये नहीं कि जो अब पहले चापाकल वगैरह का पानी भी आराम से लोग पी लेते थे, लेकिन अब सब लोग एक्वा और प्योरेट का पानी पीते हैं क्योंकि वो शुद्ध होता है, और अब उतना शुद्ध नहीं रह गया चापाकल और कुआं का पानी जो कि लोग पी सके, उससे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और बर्तन जैसे ही किसी को खाना पीना खिलाएं, खाना पीना खिलाने के टाइम भी बर्तन को एकदम क्लीन होना चाहिए, आपका हाथ भी क्लीन होना चाहिए, खाना बनाने टाइम भी जो सब्जी को आप कट कर रहे हैं वो भी चाकू, जिस चाकू से कट कर रहे हैं वो भी एकदम साफ होना चाहिए। जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं वहाँ मक्खियाँ भिन भिन नहीं करें, एकदम क्लीन होना चाहिए। बर्तन जो वॉश करते हैं वो भी डिटर्जेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बर्तन में जो बैक्टीरिया है वो रह नहीं जाए, और अच्छे पानी से उसको धोने के बाद फिर खाना को खिलाना चाहिए, लोगों को सर्व करना चाहिए। अगर आप खाना को अच्छे सर्व कर दें, खाना खाने के बाद फिर बर्तन को बहुत देर तक नहीं छोड़ दें कि उससे बहुत सारा मक्खियाँ वगैरह सब लगे, बहुत सारे बैक्टीरिया पनपे, ये सब चीज़ को नहीं हो, और आराम से जो है उसको जैसे ही कोई खाना खा ले इसके बर्तन को वॉश करके, क्लीन करके, जो कि कप जिससे कि चाय वाय पीते हैं उसको कुछ कुछ समय पे गर्म पानी में उसको धोना चाहिए ताकि बैक्टीरिया नहीं पनपे और हम उससे बीमार नहीं पड़े। ये सब चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं, हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगी और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छे से होती रहेगी। थैंक यू सो मच।